Amazon Prime Video की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज मिर्जापुर 3 पूरे गाजे बाजे के साथ अब रिलीज हो चुकी है। रात 12 बजे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस 10 एपिसोड्स की सीरीज को लोगों ने पूरी रात बिंज वॉच कर डाला। तभी तो सवेरे तक इसके रुझान भी आने चालू हो गए। ट्विटर पर मिर्जापुर के तीसरे सीजन को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई बेकार। कई फनी ट्वीट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही रिएक्शंस आपको हम बताते हैं। एक शख्स ने लिखा, बेटा तो बाबूजी का ही है। मिर्जापुर सीजन 3 गजब बहकाल है रे बाबा। कंट्रोल, पावर, इज्जत। ज्यादातर लोगों को सीरीज में मुन्ना भैया यानी देवेंदु शर्मा की कमी खली। एक यूजर ने कहा, मिर्जापुर 3 बिना मुन्ना भैया के अधूरा है। एक और यूजर ने गोलू बनी एक्ट्रेस श्वेता की बुराई की और लिखा, गोलू की वजह से मिर्जापुर 3 को पूरा नहीं देख पाया हूँ। उनकी ओवर एक्टिंग और लार्जर देन इमेज बनने की कोशिश सब बेकार कर देती है। उनका ना तो चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा है और ना ही डायलॉग डिलीवरी का तरीका। एक और ने लिखा, मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर खाली खाली सा लगेगा, लेकिन पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का भी डंका बचता है। गजब भौकाल है रे बाबा। एक और ने लिखा, मिर्जापुर 3 का 7वां एपिसोड देखा, ये डिजास्टर है। पंकज त्रिपाठी बिल्कुल शो पीस जैसे लग रहे हैं। मिर्जापुर मुन्ना भैया की थी, है और रहेगी। मुन्ना भैया नहीं तो मिर्जापुर भी नहीं। इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए। एक यूजर ने लिखा, एक बात बताएं गुरु, इस बार मज़ा नहीं आया। मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर खाली खाली सा लगा। मुन्ना भैया की कमी बहुत खली और साथ में बाबूजी की भी। बाकी बेटा तो बाबूजी का ही है। एक और यूजर लिखते हैं, मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर आईफोन की कॉपी जैसा लग रहा है। इन सभी रिएक्शन से एक चीज तो जाहिर है कि लोग मुन्ना भैया को बहुत मिस कर रहे हैं। बाकी लोगों के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। कई लोगों का शुक्रवार को ऑफिस था, जिस वजह से वो रात जाग कर इसे नहीं देख पाए, मगर वीकेंड पर इसे ज्यादा लोग देखेंगे, फिर इस पर प्रतिक्रिया भी दी जाएगी। वैसे हम भी जल्द मिर्जापुर 3 का रिव्यू करेंगे, जिसे जरूर पढ़िएगा हमारी वेबसाइट पर, साथ ही हमारे चैनल पर भी जरूर देखिएगा। अगर आपने मिर्जापुर 3 देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। ये जानकारी जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।